नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव ने भी पेश किए हैं बजट को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस ने इस बजट को लेकर गरीबों की अनदेखी किए जाने के आरोप लगाया है, साथ ही देवभूमि उत्तराखंड के भी निराश किया है। केंद्रीय बता दें कि कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट में आम जनता को कोई राहत नहीं दी गई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई कमी नहीं दी गई है, रसोई गैस में दामों में भी कोई राहत नहीं दी गई। उसके साथ ही उत्तराखंड चारधाम यात्रा और पर्यटक स्थल में इस बजट में कोई रुचि नहीं दिखाई गई है। जोशीमठ आपदा के लिए भी कोई राहत नहीं दी गई। यह बजट केवल अमीरों के लिए बनाया गया है बजट है, और साथ ही इस बजट में आम जनता को कोई राहत नहीं मिली है। चुनाव से पहले ही बजट पेश किए जाते हैं, उसमें आम आदमी की जरूरतों को बड़ा महत्व दिया जाता है, लेकिन इस बजट में केवल जनता का निराश किया गया है। बहुत निराश करने वाला बजट है। उस बजट से, चुनाव से पहले का बजट, हमेशा सरकार एक ऐसा बजट लेकर आती है जो जनता को फ़ायदा पहुंचाने वाला हो, लेकिन इसमें आप देखिए कि लगातार कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं। पिछले चंद दिनों में लगभग $36 प्रति बैरल कच्चा तेल सस्ता हुआ, लेकिन डीजल पेट्रोल में कोई राहत नहीं दी, महंगाई में कोई राहत नहीं मिलने जा रही, गैस के सिलेंडर में कोई राहत नहीं मिल रही, और शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट घटा दिया। मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड को बहुत बुरी तरह निराश किया, और मैं किसान की अगर बात करूं तो गन्ना किसान को ये नहीं मालूम कि वो कितने का गन्ना डाल रहा है। किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए 2022 तक वादा किया था सरकार ने, और किसान की आमदनी दुगनी की हुई नहीं हुई, लेकिन हाँ, खर्चा ज़रूर उन्होंने उसका महंगा कर दिया। नेपाल से बिहार होते हुए देवशिला अयोध्या में राम कारसेवा पहुंचे हैं, और साथ ही बता दें कि जिनके रास्तों से ही देवशिला लाई गई थी, उन्हीं रास्ते में त्रेता युग के भगवान श्री राम खुद बिहार होते हुए जनकपुर गए थे, इसलिए लोगों ने दो शिलाओं में से बड़ी को श्री राम मान लिया है और छोटी को माता सीता। दृश्य ऐसा था मानव सीता की विदाई हो रही हो, और लोग दुखी इसलिए भी थे क्योंकि एक बार श्री राम गए तो वापस फिर कभी मिथिला नहीं आए, तो इस बार भी राम जी जा रहे हैं और वापस आएंगे कि नहीं, ये एक लोगों के मन में प्रश्न था। अयोध्या के श्री राम राम सेवक परम में लाई गई इन दो शिलाओं की वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान से पूजा की गई है। श्रद्धालु इस दौरान अपना भाव प्रकट करते हुए नजर आए थे, और नेपाल से भारत में प्रवेश करते हुए इस दौरान देशों की सीमाएं टूट गई थी, और नेपाल और भारत दोनों तरफ से लोग ऐसे मिल गए जैसे सीता की विदाई हो रही हो, और लोगों में एक अलग भक्तिमय उत्साह देखने को मिला जो ये तस्वीर साफ तौर पर साझा करती है। उत्तरकाशी के ज्ञानशु ज्ञानजा में मोटरमार्ग के डामरीकरण, और साथ ही बता दें कि प्रतिकर भुगतान की मांग को लेकर क्षेत्रीय ग्रामीण PMGSY कार्यालय जोशियाडा में मौन व्रत और अनिश्चितकालीन धरना उन्होंने शुरू किया था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करते नजर आए थे। पिछले 2 साल डामरीकरण की मांग को लेकर विभाग सहित शासन प्रशासन को मौखिक और लिखित रूप से अवगत करा चुके थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा बैरांगी कैंप में बैरांगी अखाड़ों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया था, जिसको लेकर बैरांगी अखाड़ों के साधु संत एक दिवसीय धरने पर बैठे थे, और साधु संतों ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा स्टे देने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, और साधु संतों ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को 13 तारीख तक का समय दिया है कि बुलडोजर को तोड़े गए गेट को दोबारा से बनवाया जाए, नहीं तो साधु संत अनशन करेंगे और हाईकोर्ट भी जाएंगे।
दरअसल एक पीएल डाली गई थी जिस पर लगभग 600-700 घरों के साथ साथ तीनों अखाड़ों के लिए हाई कोर्ट का स्टे 2024 तक चला आ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने मनमानी करके यहां पर गेट को तोड़ा। से हमारे अधिकारियों से बात हुई है यहां के एक्सियन से वर्धन जी से, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि हमारी से गलती हुई है तो हम गेट बनाएंगे, यदि वो नहीं बनाते हैं तो निश्चित रूप से 13 तारीख को हाईकोर्ट खुल रहा है। हाईकोर्ट उनके खिलाफ कंटेंट ऑफ कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार को भी लिखा जाएगा। सब संत जो है हरिद्वार से वैष्णव अखाड़े के सन्यासी अखाड़ों के जो भी संत थे सब आज एकत्रित हुए। जो है सबको बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ कि बार बार जो है हमारे तीनों अखाड़े जो है अनी हैं बैरागी कैंप में, उन्हीं को क्यों परेशान किया जाता है, बार बार उन्हीं पे बिल्डोजर चलाया जाता है। सिंचाई विभाग वालों से हम यही कहना चाहते हैं कि मर्यादा को भंग ना करें। संतों ने उनको 13 तारीख तक का टाइम दिया है, उसके बाद अगर वो नहीं करते तो फिर हम अनशन करेंगे। अधिकारियों को अपनी मर्यादा समझनी चाहिए और संतों की भी मर्यादाओं को समझना चाहिए, और अगर कोई नोटिस दिया है तो कहाँ दिया है, किसको दिया है, ये भी अवगत कराएं हमें अधिकारी। नोटिस दिए बिना आपने तोड़ाई शुरू कर दी। चमोली जिले के पूर्व सैनिक संगठन प्रखंड नारायण बगड़ में क्षेत्रीय विधायक के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी 4 सूत्री मांग को पत्र को भी विधायक को सौंपा है, मांग पत्र विधायक को सौंपा है। साथ ही बुधवार को ब्लॉक सभागार में पूर्व सैनिक संगठन नारायण बगड़ के अध्यक्ष सुरेश सिंह नेगी ने अध्यक्षता में थराली के विधायक बता दें कि भोपाल राम टमटा के सम्मान समारोह के साथ आयोजित समारोह में सैकड़ों पूर्व सैनिक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सैनिकों को इकट्ठा करके और अदर रैंक्स और विधायक जी को बुला रखा था, हमने अपनी मांगे रखी हैं। मांगों में सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय की मांग थी जो स्वीकृति पर है हमारी, और एक मिलन पॉइंट हमने रखा हुआ आर्मी वालों का कि जो मिलन के अंदर हमको मिलना चाहिए। बाकी ECSS की प्रॉब्लमें थी, बैंक संबंधी जो लेखा जोखा स्पेस में अभी हाल में गया हुआ है, हमने बैंक मैनेजर ब्रांच मैनेजर नानबगढ़ सुरेश नेगी जी को यहाँ पे निमंत्रित किया हुआ है। उनके माध्यम से सभी सैनिकों को अवगत कराया जा रहा है कि आपके स्पेस मैं कमी खामियों को हम किस प्रकार से दूर करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने एक सम्मान का कार्यक्रम का रखा था, मैं उसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक संगठन के माध्यम से लोग आज यहाँ पर बहुत सारी संख्या में इकट्ठा हुए थे, इन लोगों ने माँ भारती की सेवा तो की ही है, आज समाज की सेवा की है, समाज की दृष्टि इन पर है, और मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों का आज भी अनुशासन के दायरे में रह करके जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए थे। सितारगंज में तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने सितारगंज विधानसभा में बढ़ रही मतदाताओं की संख्या को लेकर सितारगंज क्षेत्र के BLO के साथ एक बैठक की है, और बैठक में बीते 2012 से 2021 के अंतराल सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर चर्चा की गई है। वहीं सितारगंज तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने बताया कि विगत 2012 से 2021 के बीच सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में लगातार मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, और साथ ही जिसको लेकर सितारगंज क्षेत्र में BLO के साथ ही एक समीक्षा बैठक की गई, और साथ ही बताया गया कि बैठक कर किन बूथों में मतदाताओं की लगातार संख्या बढ़ रही है उसके कारणों का पता लगाया जाए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी गढ़वाल के बिलखेत में वैली में पैराग्लाइडिंग का शुभारंभ किया है। इस दौरान खुद पर्यटन मंत्री पैराग्लाइडिंग पर लुत्फ उठाते हुए नजर आए हैं। वही सतपाल महाराज ने कहा है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा।
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी द्वारा आज इस जगह का जो है नयार वैली के नाम से मशहूर है, यहाँ पे साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पैराग्लाइडिंग की कमर्शियल ऑपरेशन के लिए साइट को दिया गया है। और आज हमारी कंपनी द्वारा फ्लाइंग सफारी इंडिया द्वारा यहाँ हॉट एयर बैलून का भी संचालन किया गया है, जिसमें महाराज जी द्वारा आज हरी झंडी दिखाई गई है। और आगे हम इसी तरह उत्तराखंड में अलग अलग जगह पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी साहसिक गतिविधियाँ करते रहेंगे। जैसे कि जो हमारा ये क्षेत्र है, थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र था, बाकी इस समय यहाँ पर जिले में और शहरों के मुताबिक जिस तरीके से और ये बहुत ही स्वर्ण अवसर है यहाँ के युवाओं के लिए, जो क्षेत्र के युवा हैं, क्योंकि ये अपनी भागीदारी से इसमें सहभागिता कर सकते हैं, क्योंकि पर्यटक पर्यटक आकर यहाँ पर साहसिक खेल का आनंद ले रहे हैं, वो भी अपनी जैसे कुछ कोई होम स्टे चला रहा है, कोई अपना रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई होटल चला रहा है, तो अनेक माध्यम है मतलब आय के, जिससे जो युवा है उनको काम मिल सकता है अपने और वो लाइवलीहुड तो यहाँ पर ये इसका विकास होने से जो हमारा टूरिस्ट है जो लेंसडाउन आता है उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं होती है, वो आगे सतपुली आकर के इस क्षेत्र में आकर के और यहाँ जो एक्टिविटी हो रही है हमारी फ्लाइंग एक्टिविटी हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एडवेंचर टूरिज्म में हम आगे बढ़ें और जिस प्रकार से हिमाचल के अंदर भीड़ बिलिंग है इस प्रकार की साइट्स को यहाँ डेवलप करें, जैसे कि पैराग्लाइडर्स हों, आपके ये एयरशिप के बलूनिंग वाले हों, ये सब यहाँ आकर के अपने अपने विधियों को संपन्न करें। ललितपुर में एलाइट रोड व्याना नाला पुल के पास लोडेड बता दें कि टैक्सी में 25 बोरियों में लगभग 15 क्विंटल चावल जा रहा था और एक जगह में दूसरी जगह जिला क्षेत्रीय खाद अधिकारी परवेज अख्तार ने जब्त किया है और कार्रवाई कर जिलाधिकारी आलोक सिंह को रिपोर्ट भेज दी गई है। वहीं बता दें कि ड्राइवर का कहना है कि अब देखने वाली बात यह होगी कि ये सरकारी चावल है कि प्राइवेट, पूरा मामला जाँच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने गाड़ी को जब्त कर अपनी कस्टडी में ले लिया है और पुलिस ने और इस मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आवारा जानवरों से परेशान होकर किसानों ने 100 से अधिक छुट्टा बता दें कि मवेशियों को ब्लॉक में बंद कर दिया है और समझाने पहुंचे खंड विकास अधिकारी को भी बंधक बनाया गया। दरअसल पूरा मामला डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत छतौ ब्लॉक का बताया जा रहा है, जहां आवारा मवेशियों से परेशान होकर किसानों ने सैकड़ों की संख्या में जानवरों को ब्लॉक में बंद कर दिया और साथ ही ब्लॉक में मीटिंग चल रही थी और सैकड़ों की संख्या में आवारा जानवर को देखकर ब्लॉक में हड़कंप समझ गया था। वहीं किसानों को समझाने पहुंचे खंड विकास अधिकारी को भी किसानों ने बंधक बना लिया है और आंदोलन को लेकर लगातार वे चेतावनी देते हुए नजर आए हैं। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के कस्बे में तालाब के किनारे सारस पक्षी मृत अवस्था में मिला है, जबकि दूसरा अचेत है और साथ ही ग्रामीणों ने जहर देकर दुर्लभ पक्षियों को मारने का आरोप भी लगाया है। मौके पर पहुंचे वन विभाग और पशु चिकित्सा के अधिकारियों ने पक्षी के शव को कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि यह तालाब मत्स्य पालन के लिए आवंटित किया गया था, जिसके कस्बे में एक व्यक्ति मछली पाले हुए हैं और इसी व्यक्ति पर जहर देकर पक्षियों को मारने का आरोप लगाया गया है। आरोप के बाद से पहुंचे वन विभाग और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने पक्षी के शव को कब्जे में ले लिया है और अचेत सारस पक्षी का इलाज किया जा रहा है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज पटेल ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पक्षी की मौत के कारण स्पष्ट हो पाएगा।
और देखिए किस तरीके से पक्षी को लेकर लगातार ग्रामीण जो है परेशान नजर आए हैं। और आप बात करेंगे रुड़की की, जहां पर 13 साल के दुष्कर्म की घटना के बाद से फरार आरोपी चल रहा था, और उसके बाद से महिला ने बताया कि उस समय वे घर से बाहर गई थी और बाकी बच्चे भी घर से बाहर थे। उसके पति ने बेटी को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, और बच्ची की मां वापस लौटी तो उसने देखा कि बच्ची डरी सहमी हुई है। मां द्वारा सवाल पूछने पर पीड़िता ने आपबीती बताई है, और इस दौरान पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई है, और फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पॉक्सो एक्ट समेत तमाम मामला को लेकर धाराओं में मामला ये दर्ज कर लिया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।